कोचिंग सेंटर। तो चलिए सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए और सारे दोस्तों को लिंक शेयर कर दे ताकि सारे कोई पढ़ सकें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 12। इस पार्ट में हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, जो हमने प्रीवियस क्लास में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स अ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी ताकत क्या होगी, वो कैसे निकलेगा, कैसे फाइंड आउट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सेशन को कम्प्लीटली देखिए ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। इसीलिए मैं सारे स्टूडेंट से कहूँगा कि आप पूरे वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, ओके। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तब लाइक कीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि सारे कोई पढ़ सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और सारे बातों को नोट डाउन करते चलेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने जो पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो चलिए बोर्ड में किस तरह हम लोग एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो चलिए उसको मैंने लिख दिया है। सबसे पहले कुछ बातें, यू नो दैट चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है और सीजीएस यूनिट क्या होता है, अस्टैट कूलम्ब होता है। सीजीएस यूनिट क्या होता है, अस्टैट कूलम्ब। अब देखिए 1 कूलम्ब इक्वल टू 3×10⁻⁹ अस्टैट कूलम्ब होता है। 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब, जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है, उसको जब अस्टैट में बदलेंगे तो क्या होगा, 4.8×10⁻¹⁰ अस्टैट कूलम्ब, ओके। ये आप जान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक क्षेत्र है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी ताकत है। उसकी ताकत कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, मतलब आज बात करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को भी ई वेक्टर से ही डिनोट करेंगे, ओके। हाँ, मैग्नीट्यूड को ई से, जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ई से, और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किससे करेंगे, ई वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दोनों को ई वेक्टर से डिनोट करेंगे, ठीक है, बात समझ गए। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोल देते हैं, ठीक है। ये आप समझ के अपना प्रीवियस क्लास को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर कंसिडर करेंगे आगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये एग्जाम में आप कैसे लिखिएगा, द स्पेस ओवर विच द चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्षेत्र है जिसमें, एक स्पेस है जिसमें चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ओके, न्यूटन पर कूलम इसका एसआई यूनिट होता है। कैसे होगा ये आगे जानेंगे, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फॉर बोर्ड एग्जाम में आपको आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दो बातें पूछी जाएगी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों में अलग अलग डिफिनेशन लिखना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसकी ताकत के बारे में बात की जा रही है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो आगे चलें, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को और समझने के लिए हम लोग इसको समझते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म बाय विच टू चार्जेज केप्ट एट लार्ज डिस्टेंस एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। जब दो चार्ज को किसी डिस्टेंस पर रखते हैं तो उस पर एक दूसरे पर फोर्स लगता है, तो वो जो फोर्स लगता है वो किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है, ओके, एनी प्रॉब्लम। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सिग्निफिकेंस हो गया। सब इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द सिग्निफिकेंस, है ना। तो सिग्निफिकेंस में इसको लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जब दो चार्ज को रखते हैं तो एक दूसरे पर बल लगाता है, ये किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है जो आपको जानना है, आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी।
तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोला जाए, दोनों एक ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। ओके, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन उसकी ताकत कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी ताकत होगी क्या, कैसे मेजर करेंगे, ये जानना जरूरी है। तो उसकी जो ताकत है उसी हम लोग मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी मान कितनी आएगी, उसका वैल्यू कितना आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप समझ गए कि हम लोग इंटेंसिटी का मतलब क्या समझना है, कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है, कितना है। डायरेक्शन तो प्लस माइनस, तो डायरेक्शन बताएगा, प्लस माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा वाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी कारण से प्लस और माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन उसकी मान क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, उसकी ताकत कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको भी हम लोग ई वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। ये क्लास प्रीवियस क्लास से लिंकेड है ना, तो प्रीवियस क्लास को अगर आप नहीं किए हैं तो पहले, सबसे पहले प्रीवियस क्लास को कीजिए, उसके बाद इस क्लास को करेंगे। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत की बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, किसी चार्ज के चलते, किसी चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो उस चार्ज के चलते किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन ए वेनिसली स्मॉल टेक्स चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। इसका मतलब समझिए, स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, ये जो वर्ड है ना, देखा है ना, ये दोनों वर्ड मिलकर क्या बना रहा, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब टेंस टू जीरो। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जब किसी सोर्स चार्ज रख दिए हैं, मान लीजिए यहां पर एक सोर्स चार्ज है Q, ओके, अब ये फील्ड बना रहा है, चारों तरफ फील्ड बना रहा है ना, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक टेक्स चार्ज लाया, क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या लाना है, टेक्स चार्ज, और ये टेक्स चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमको टेक्स चार्ज को क्या लेना, पॉजिटिव। तो यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज लिखे है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, के क्यू क्यू नोट बाय ये डिस्टेंस आर मान लेते हैं, आर स्क्वायर। लेकिन यह क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ऑफ ए सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट, मतलब जो फोर्स इस टेक्स्ट चार्ज पर लग रहा है, जिस टेक्स्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है, मतलब जहां पर हम निकालना चाहते हैं, एक चार्ज ले लिए, ओके, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चारों, और यह भी आपको मालूम है कि चार्ज अपने प्लेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है, मतलब यहां पर चार्ज जहां पर है उसके अलावा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन उसी अपने अपने ही प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अनडिफाइंड होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अनडिफाइंड। ओके, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज रख दिए प्लस क्यू, निकल रहा है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड बन रहा है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां भी प्रभाव होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां पूरा इंफिनाइट तक होगा, लेकिन इसी के प्लेस पर, मतलब कोई चार्ज खुद के अपने ही प्लेस पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी व्यक्ति अपने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपने को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो
उसी तरह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, तो आपने जिस प्लेस पर वो रखा है उस प्लेस पर कोई इफेक्ट नहीं देगा, उसके आसपास चारों तरफ देगा, अपने ही प्लेस पर वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस प्लेस पर। ओके, अब देखिए जब भी हम किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अब मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्ञात करनी है, मतलब इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है पी, तो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है उस पॉइंट पर आप टेक्स चार्ज ले लीजिए। कौन सी चार्ज? टेक्स चार्ज। और यह टेक्स चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? फोर्स। सबसे पहले फोर्स निकाल लीजिए, मान लेते हैं आर डिस्टेंस है, तो इस चार्ज पर, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा इस टेक्स चार्ज के चलते? मतलब जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर टेक्स चार्ज रख लो, और टेक्स चार्ज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब उस पॉजिटिव टेक्स चार्ज को कितना फोर्स महसूस हो रहा है इस सोर्स चार्ज से? ये कौन सी चार्ज है? सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया, पर यूनिट बोल रहा है, मतलब एक यूनिट में कितना फोर्स। इधर टोटल फोर्स है, इधर टोटल फोर्स है, लेकिन पर यूनिट फोर्स की बात हो रही है, पर यूनिट है ना, तो डिवाइड किससे कर देंगे? पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए गौर से, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब हमें चार्ज से डिवाइड करना होगा, तो कौन से चार्ज से? क्यू नोट से, तो कैंसिल, तो क्या आ गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लें। एनी प्रॉब्लम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको अगर एग्जाम में लिखना होगा तो यही लिखेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। क्यू प्लस क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है, ठीक है, और उस प्लस क्यू सोर्स चार्ज के चलते चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब उस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मतलब उसकी ताकत निकालनी है, तो कहीं पर आप पॉइंट एक रख लीजिए, ठीक है। और यह भी आपको पता है कि जहां पर चार्ज है वहां पर आपको नहीं रखना है, जहां पर चार्ज, सोर्स चार्ज, जहां पर सोर्स चार्ज है वहां पर पॉइंट को नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज, जहां पर सोर्स चार्ज है वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड होता है यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इधर निकल रहा है, लेकिन इस प्लेस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अनडिफाइंड होता है इस पर, ठीक है। यह आपको मैंने प्रीवियस क्लास में लिखा दिया है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब जो भी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। कौन सी चार्ज से? जो चार्ज आप कंसीडर किए हैं, क्यू नोट, टेक्स चार्ज, क्यू प्लस क्यू तो गिवन था, और प्लस क्यू नोट जो आप लिए हैं वो हमारा टेक्स चार्ज हो गया, उसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा। नोट डाउन कीजिए सबसे पहले इसको, तो चलिए मैथमेटिकली समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, पॉजिटिव टेक्स चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेक्स चार्ज। ओके, अब देखिए जो टेक्स चार्ज है वो क्या है? टेंस टू जीरो है, तो लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो, ये हमारा होगा मैथमेटिकली लिमिट टेंस क्यू नोट टेंस टू जीरो। लेकिन हम लोग जनरली क्या लिख देते हैं? ई, हम लोग माइंड में सेट कर लेते हैं क्यू नोट क्या है, बहुत छोटा है, तो एफ बाई क्यू नोट, सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं। लेकिन किसी किसी किताब में लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो ये बता दिया जाता है कि क्यू नोट क्या है, बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो। ओके, मतलब किसी सोर्स चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और उस फील्ड में किसी भी प्लेस पर, किसी भी पॉइंट पर आपको उसकी ताकत पता करनी है, तो क्या होगा? फोर्स उस पॉइंट पर, आप एक चार्ज मान लीजिए, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है उस पॉइंट पर एक टेक्स चार्ज ले लीजिए, प्लस टेक्स चार्ज, और टेक्स चार्ज को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, तो पॉजिटिव टेक्स चार्ज ले लिए, मतलब क्यू नोट। अब उस क्यू नोट पर सोर्स चार्ज के चलते जितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लीजिए, पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या है? जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर पॉजिटिव टेक्स चार्ज मान लीजिए। ओके, और उसके बाद दूसरा स्टेप, उस पॉजिटिव टेक्स चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
लग रहा है वो फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद थर्ड स्टेप, आपको फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेक्सचर निकालना है। इसका मतलब टोटल चार्ज, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नोट, जो फोर्स आप निकाले हैं सेकेंड स्टेप में उसको क्यू नोट से डिवाइड कर दीजिए। मतलब फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेक्सचर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। ओके, तो ये मैथमेटिकल हो गया, फोर्स पर यूनिट टेक्सचर। मतलब जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है उस पर आप जो चार्ज माने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय जिस पॉइंट पर आपने जो चार्ज माना है, प्लस क्यू तो सोर्स चार्ज है वो तो दिया रहेगा, लेकिन आपने जिस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर आपने जो चार्ज माना है तो हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव टेक्स चार्ज, मतलब क्यू नोट, तो क्यू नोट मान लीजिए, बात बन गया। यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब देखिए यहां पर एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इज देखिए फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ओके, ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, मैं अभी प्रीवियस थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको मैं बताऊंगा, ये इसको लिख लीजिए सबसे पहले।